ये जो है यहाँ पे कैथेड्रल है और सामने जो है वो ब्रिज है और प्लस ये है ट्रेन का ट्रैक ट्राम का और यहाँ सामने जो है ये बोट्स हैं तो हम इस तरफ जा रहे हैं। सामने जो नज़र आ रहा है ना बोट हम इसके अंदर जा रहे हैं और ये है यहाँ की एंट्री तो अंदर जाते हैं। ये साइट सीन करने के लिए यहाँ से कोई 11,000 हंगेरियन वो जो है वो मिलता है अमाउंट के ऊपर आपको उसका पास। ये यहाँ से हम इसमें इंटर हो रहे हैं और ये है क्रूज बोट का व्यू बार। हम समझे कि यही वाली बोट है जहाँ खड़े हैं, है तो ये भी बोट मगर बोट जो है वो उधर है वो वेटिंग एरिया समझ रहे हो। बोट में बैठ गए हम और ये है सारा साइड व्यू। चलो अभी चले गए और हमको तो गिरती नहीं मिलेगी बराबर ना रहे बाहर बाहर है बाहर जो बियर की स्मेल आ रही है तरह सब की बुरी नजर आ रही है बाल खराब हुआ। हाय ये है बोर्ड के अंदर का हिस्सा और मैं यहाँ से निकला हूँ और ये लोग खड़े हुए यहाँ पे। यहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं बोट के अंदर। सामने टूर हो रहा है लोग यहाँ बैठे हैं फिर वीडियोस बनाते हैं और ये एग्जिट करते हैं यहाँ से। यहाँ से हमारे अब्बास भाई खाने में ये है यहाँ पे भाई इस पर लिखा हुआ है पानी में गिर नहीं जाना आप ठीक है। और ये है सारा बुडापेस्ट का सिटी टूर। ये हंगरी का फ्लैग लगा हुआ है और नीचे जो है आप देख रहे हैं बोट चल रही है और ऊपर का भी डेक बना हुआ है ये रहा। तो यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू नज़र आ जाता है सिटी का। आए ऊपर चलते हैं ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ठंड है। ये जो है यहाँ के साइट सीन है और आप देख सकते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी। ऊपर ठंड है यहाँ पे जो है इन्होंने एक शेड टाइप की एक चीज़ बनाई हुई है जहाँ बैठ के आप जो है एंजॉय कर सकते हैं। वो उस कोने वालों को देखें देखो देखो दरिंदगी चेहरे से तब तारीफ क्यों परेशान हो यहाँ का ये है हमारा सिंध कंटोनमेंट बोर्ड। सामने ये ट्रैफिक जा रहा है और यह है फ्रंट एरिया शिप का और सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है। सर्दी से हाथ ऐसे जम रहे हैं कि मेरे जो है ये जो है यहाँ का ओल्ड ब्रिज है और आप देख रहे हो इसके ऊपर जो है ट्रेन चल रही है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है इस जगह से और ये यहाँ जाता है ये ब्रिज का नीचे वाला है। काफ़ी सारे ब्रिजेस हैं एक उधर भी बना हुआ है वो उधर आपको नजर आ रहा होगा एक ये वाला है और ये जो है एक बाहर उस तरफ भी आ रहा है। सारे एंजॉय कर रहे हैं नीचे और हम अब जो है थोड़ा रेस्ट करेंगे। अगर आपको भाई का चैनल मज़ा आ रहा हो और पसंद आ रहा हो तो क्या कीजिएगा बिल्कुल आप जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करें। हंगरी का शॉर्ट टूर क्रूज शाहिद भाई आपको दिखा रहे हैं। ये चुप्पे A few moments later. जा रहे हैं बाजार की तरफ। ये पीछे जो है वो बाजार है और यहाँ से जो है आपको लेके चलते हैं और काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं फिर चलते हैं दोबारा बस की तरफ। सारी यहाँ की जो है बाजार
कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और ये स्ट्रीट है इनकी। अभी इतना रश नहीं है बट ये कि ये ज़्यादातर मार्केट जो है वो खुली होती है और रात में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं तो पीपल कैन एंजॉय हियर। जी भाई दूसरी बस का सफ़र शुरू हो चुका है, भाई साहब हमारे साथ छत काफ़ी नीचे है खड़े होते हैं लगता है तो ये यहाँ से बाहर के नज़ारे एक और स्पॉट पर उतरे यहाँ पे और ये है लकड़ी का शेर और ये है यहाँ का फ्लेक्स किचन बार और सामने जो है यहाँ पे रिवर व्यू है। तो ये बेसिकली कैसल वगैरह वाली चीज़ें यहाँ पे। ये फराज साहब खड़े हैं यहाँ पे, यहाँ का बुदापेस्ट का कैसल है ठीक है और ये है कैसल की एंट्रेंस। हाँ जी ये कैसल है, हम कैसल के अंदर एंटर हो चुके हैं, ये चढ़ते हुए आ रहे हैं। बड़े साहब मेरे साथ हैं और ये देखो ये कराची का जो माल है ना यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, ये सप्लाईज पूरी है बॉस। हाय हाय अब देखते हैं ऊपर जाके, ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये सामने यहाँ के पूरा व्यू नज़र आ रहा है, हाइट पे काफ़ी ऊपर लेके चलता हूँ फिर मज़ीद चीज़ें दिखाता हूँ आपको। कुछ मॉन्यूमेंट इस तरह से बने हुए पार्ट पे और ये है कैसल का ऊपर, काफ़ी हाइट है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है तो एलिवेटर से हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से आए थे और ये कौन है भैया, शक्ल तो देखो यार। तो ये अब्बास साहब पीछे खड़े हुए हैं, ये पत्थरों की दीवारें आप देख रहे हैं, यहाँ से ज़रा बाहर का व्यू भी दिखा देते हैं आपको। ये है यहाँ से एलिवेटर मिलेगी और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। हाँ जी हम ऊपर आ चुके हैं और ये जो है यहाँ से टॉप व्यू है, ये आप नीचे देख सकते हैं मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत व्यू है और यहाँ से जो है उस तरफ जाना है मुझे। काफ़ी सारे लोग हैं यार, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। ये वुडन ब्रिज है इस पर से हम चल के जा रहे हैं, नीचे जो ये म्यूज़ियम है ये आप देख रहे हैं कैसल म्यूज़ियम। यहाँ से बड़ा शानदार व्यू जो है उसका नज़र आता है बुदापेस्ट सिटी का, ये भी एक व्यू है इधर से, दीवारें बहुत ऊंची ऊंची इसकी। सामने आप देख रहे हैं काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं अलग अलग जगह से और बहुत ही अच्छी प्लेस है हाइट के ऊपर तो लोग यहाँ पे बैठ के व्यू एंजॉय करते हैं। खाने पीने के कुछ रेस्टोरेंट भी बने हुए आगे। ये जो है इस कैसल का सेंटर पोर्शन है और यहीं पे सारा जो है सिटिंग प्लेस का अरेंजमेंट हुआ, यहाँ लोग बैठ कर कॉफ़ी वगैरह इन्जॉय करते हैं और में जाने की इंट्रेंस है यहाँ से जो म्यूज़ियम आपको मैंने दिखाया था। यहाँ से आई थिंक इसकी इंट्रेंस है और देखते हैं अंदर है क्या। बड़ा ही अच्छा प्लेस है ये, यहाँ पे लोग आके अपना खाना वाना एंजॉय करते हैं और वो सामने जो वॉल है वहाँ देख रहे हैं अब्बास साहब खड़े रहकर अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं। तो थोड़ा अंदर चलते हैं और फिर चेक करते हैं।
यहाँ आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने सारी चीज़ों का इन्होंने वो दिया हुआ है। अगर आप मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपको हर जगह के बारे में बताएगा कि किस जगह पे क्या चीज़ आएगी, आप चेक कर सकते हैं। पूरा इन्होंने जो पैलेस वाला एरिया है यहाँ पे इन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है। स्पिन मिल भी है और ये जो है बस हम जा रहे हैं वापस होटल की तरफ। ये यहाँ की ओपेरा की बिल्डिंग है। यहाँ की स्ट्रीट है, बाजार हैं और सामने जो ये बैंक ऑफ चाइना की बिल्डिंग थी। जी भाइयों, आज लास्ट डे है और हम लोग जा रहे हैं वापसी की तरफ, बैक होम। तो हमें जो है अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि सारे लोग जो हैं सनी टुडे। आज हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। अपना आप लोग ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।